एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं इवनिंग में आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है क्या है उनके दिल में प्यार या गुस्सा। हर मंथ में मैं ये रीडिंग करती हूँ और ये मई मंथ की रीडिंग है, तो करंट एनर्जी क्या चल रही है आपके पर्सन की, क्या है उनके दिल में आपके लिए इस टाइम, क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार है या किसी बात से अगर वो नाराज़ हैं या ब्लॉक सिचुएशन है तो क्या उनके दिल में आपके लिए नफ़रत है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ इस साइड में आपकी एनर्जी लूँगी और इस साइड आपके पार्टनर की एनर्जी लूँगी, आप दोनों की एनर्जी हम चेक करेंगे। इन सभी डेक्स को मैं यूज़ करूँगी। सो एक एक करके हम कार्ड्स निकालते हैं। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है इस टाइम आप बहुत ज़्यादा वर्क पे ध्यान दे रहे हो, आपका पूरा फोकस अपने पैसों पे है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हो आप लोग पैसों को लेकर, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। वन टू थ्री फोर फाइव, द मून। हो सकता है आपके पर्सन किसी तरह के बाउंडेशन में हो, किसी तरह का स्ट्रगल हो उनके लाइफ में, या कुछ छुपा रहे हों आपसे, कुछ हाइड कर रहे हों, इमोशंस हाइड कर रहे हों, या कोई बात हाइड कर रहे हों। फाइन, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या है इनके दिल में प्यार या गुस्सा, आप दोनों के दिल में क्या है प्यार या गुस्सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, टेन ऑफ वैंड्स। आपके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी बाउंडेशंस हैं, मे बी आप मिल नहीं सकते, या कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, मे बी आपके लाइफ में अगर आप मैरिड हैं तो आपके ऊपर कंट्रोल हो, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। द मजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन केयरफ्री होके बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑब्वियसली आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये एनर्जी तो दिख रही है यहाँ से। चलिए कार्ड्स निकाल लिए हैं मैंने, एक और डेक मैं यूज़ करूँगी ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस दे पाऊँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के दिल में प्यार या गुस्सा। वन टू थ्री फोर फाइव, जस्टिस। आप जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जाए, अगर आपके लाइफ में या उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप जस्टिस चाहते हैं, आप न्याय चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपने जो भी टाइम दिया है, जो भी आपने सहा है, जो इतना ज़्यादा आपने झेला है, आप जस्टिस चाहते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स। आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, देख के तो लग रहा है कि इनके दिल में प्यार ही प्यार है, गुस्सा तो नहीं दिख रहा, राइट? बॉटम की एनर्जी है, आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ, अगर नहीं हैं इस समय, दूर हैं, हस्बैंड आपके, वाइफ आपकी, या गर्लफ्रेंड आपके, या बॉयफ्रेंड आपके, तो वापस आना चाहते हैं, इवन सिर्फ वापस नहीं आना चाहते, आपको एक कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है बॉटम की। सो ये आपके कार्ड्स हो गए और ये आपके पर्सन के कार्ड्स हो गए, तो हम पहले देखेंगे हमेशा की तरह आपके कार्ड्स, आपकी एनर्जी। एस ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, द फूल,
5 of pentacles, 7 of pentacles, 6 of swords, 5 priestess, hangman, 4 of pentacles, 7 of wands, okay, 10 of cups, the emperor, 5 of cups, ace of swords, page of pentacles, okay. तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सभी साइंस हैं यहाँ पे, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस एंड एरीज लियो सेजिटेरियस, ऑल साइंस आर देयर। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी आपके मन में क्या है, प्यार है या गुस्सा है। आपके मन में प्यार तो है ही, भरा हुआ है, लेकिन आपके मन में इस समय रोमांस नहीं दिख रहा है। आपके मन में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की चाह दिख रही है, कंप्लीशन की चाह दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं, आपको बहुत बहुत हो गया, अब आपको कमिटमेंट चाहिए। बातचीत से भी अब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यू वॉन्ट कमिटमेंट। क्यों? क्योंकि आप चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप कई बार कोशिश करते हो, आपको अपनी लाइफ से प्रॉब्लम होने लगती है, आपको लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप कई बार कोशिश करते हो मूव ऑन करने की, 6 of swords, आप चाहते हो कि आप निकल जाओ इस सिचुएशन से। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाते हो, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को समझाते हो कि क्या वो नहीं आएंगे, क्या वो स्टेप लेंगे। अगर आपका इंट्यूशन आपको कहता है तो आपके मन में आता है कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ या जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है कि नहीं, आपको अभी भी स्टक रहना है। क्यों? क्योंकि आप इनको खो नहीं सकते, आप इनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, एक ट्रेजर की तरह रखना चाहते हो, आप इन्हें किसी भी हाल में नहीं खो सकते। हैंग्ड हो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, सैड हो बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपके पीछे पड़े हों, शादी कर लो, ये वाली एनर्जी भी दिख रही है। सक्सेस आप चाहते हैं, देखिए दो दो कार्ड्स आए हैं, सक्सेस आप चाहते हैं। अगर आपके पर्सन फाइनेंसेस की वजह से आपसे दूर हैं या फैमिली की वजह से अगर आपसे दूर हैं, तो आप चाहते हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लें। जब भी आप मूव ऑन की सोचते हो, अगर आपको लगता है कि बस अब हो गया, अब मैं सामने से ब्लॉक कर देती हूँ और या देता हूँ और मूव ऑन कर लेता हूँ, उसी टाइम आपके पर्सन वापस धमक पड़ते हैं। कुछ ना कुछ जेस्चर आपकी तरफ हो जाता है, कॉल मैसेज आ जाता है या अनब्लॉक हो जाता है, क्योंकि आप दोनों मिरर करते हो एक दूसरे को, तो उन्हें किसी तरह फील हो जाता है और वो वापस आपके लाइफ में आ जाते हैं। आपको मूव ऑन नहीं करने देते और ना ही आप करना चाहते हो। आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, ये आपकी एनर्जी दिख रही है। आप चाहते हैं कि सब दुनिया छोड़ छाड़ के वो आपकी तरफ आएँ, आपका साथ दें। किसी से पूछ के उन्होंने लव नहीं किया तो अब क्यों पूछ रहे, ये वाली सिचुएशन है आपकी। तो ये आपकी एनर्जी में है, गुस्सा है आपकी तरफ से दिख रहा है। गुस्सा, प्यार तो है ही लेकिन गुस्सा भी दिख रहा है यहाँ पे। आप कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में, आप मूव ऑन भी नहीं कर सकते, आप इन्हें खो भी नहीं सकते और आप रह भी नहीं पा रहे हो, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अब हम बढ़ते हैं आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। 9 of pentacles, द स्टार, एस ऑफ वैंड्स, 8 of pentacles, the fool, okay, फिर है 7 of pentacles, 8 of cups, the wheel of fortune, 3 of swords, the hermit, okay, and the next card 7 of cups, the lovers, queen of wands, page of cups, 9 of wands, okay। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी निकल कर आई है वो है, पहले साइंस बता दूँ, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई
एरीज लियो सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, सभी साइंस हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन सिंगल एनर्जी में है इस टाइम, इंडिपेंडेंट एनर्जी में है। सिंगल का मतलब अगर ये मैरिड भी हैं तो भी ये इस समय पूरा फोकस्ड इनका खुद पे है। साथ ही साथ अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या अगर आपसे ब्रेकअप हुआ है, अगर इन्होंने आपको छोड़ के मूव ऑन कर लिया है आपसे, ऐसा आपको दिखा रहे हैं, तो ये खुश नहीं है। अगर आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ है या ब्रेकअप हुआ है तो हर्मिट मोड में है। ये हो सकता है कि इनके लाइफ में चॉइसेस रही हों, एक तरफ आप एक तरफ कोई और, या फिर वर्कहोलिक हो सकते हैं, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा काम करना, प्रेशर इनका पूरा अपने ऊपर इस समय है ध्यान, जिसकी वजह से आपको टाइम ना दे पा रहे हों और आप दोनों में लड़ाई हो गई हो किसी बात को लेकर। लेकिन ये पेशेंटली आपके लिए सोचते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, केयरफ्री होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, द फूल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एस ऑफ वैंड्स, छोटे छोटे जेस्चर्स बीच बीच में कर देते हैं क्योंकि आपके बिना ये रह नहीं सकते। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आपके लुक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। इवन ये आपके साथ होपफुल हैं, इन्हें इतना पता है कि मैं कुछ भी कर दूँ, ब्लॉक कर दूँ, डांट दूँ, अब्यूसिव बातें बोल दूँ, फिर भी आप इन्हें नहीं छोड़ोगे। ये जान चुके हैं आपकी वीक पॉइंट, इसलिए ये निश्चिंत रहते हैं। बिल्कुल आप टेंशन में रहते हो बट ये निश्चिंत रहते हैं। इन्हें पता है कि आप द लवर्स जर्नी में हो, आप दोनों का लव म्यूचुअल है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, दूसरा बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है। एक को पता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो दूसरा उसका फ़ायदा उठाता है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो आप तो गुस्सा हैं, लेकिन ये गुस्सा नहीं है, ये भर भर के आपकी तरफ इमोशंस, लव, फीलिंग्स सब कुछ है। इवन ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके लिए रिश्ता देख रही हो, लेकिन फिर भी ये इवन अभी आपसे बात कर रहे हैं। कुछ लोगों की शादी हो गई है फिर भी वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन ऐसा है, सोल कनेक्शन है, चाह के भी दूर नहीं हो सकते। एक मैजिकल अट्रैक्शन है, एक पुल है आपका, एक मैग्नेटिक पुल है जो कि आप दोनों को खींचता है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो नाराज़गी तो इनकी तरफ तो नहीं दिख रही है, हाँ आपकी तरफ ज़रूर दिखी मुझे। देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या होगा। मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। क्या एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस? बिल्कुल बात करेंगे आपसे। एट नंबर इम्पॉर्टेंट है, एट नंबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एट आवर्स एट डेज के अंदर ये बातचीत कर सकते हैं। एट आवर्स एट डेज, एट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगेन एट, सेवन प्लस वन सेवनटीन, एट होप रखिए। एट आवर्स एट डेज के अंदर आप में से कई लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है। बहुत ध्यान से बात करिएगा, कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस्ड रहिएगा, ठीक है? सामने से कॉल मैसेज मत करिएगा, इनका आएगा तो प्यार से रिप्लाई दीजिएगा, ओके? सो ये यहाँ पे दिख रहा है। एंजल गाइडेंस लेते हैं और फिर रीडिंग को करते हैं एंड। वन टू थ्री फोर फाइव, ओके। फर्स्ट कार्ड इज सक्सेस। सक्सेस आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं आया है। जिसका जिसका डिवाइन टाइमिंग आता जाएगा, उनका उनका रियूनियन होता जाएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आने वाले टाइम में आपकी जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। रिकवरी, आने वाले टाइम में रिकवरी होगी। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जो एक साल से ज़्यादा से वेट कर रहे हों, आपका बातचीत ना हुआ हो या कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाले टाइम में, अबंडेंस आ सकती है, खुशियां आ सकती हैं, किसी तरह का गेन हो सकता है, मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है। रिमेन पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।